हाँ, तो आज हम कंटिन्यूटी का दूसरा दिन पढ़ेंगे। इसमें कंटिन्यूटी पे कुछ और थोड़े बेसिक सवाल करते हैं, कुछ और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा अपना और बेस मजबूत कर लेते हैं, दो चार पांच सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम कंटिन्यूटी के आगे थोड़ा हम प्रोसीड करेंगे। पहले एक और सवाल देखते हैं कंटिन्यूटी के लिए। क्वेश्चन जैसे मैं मान लो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा आसान सवाल से स्टार्ट करता हूँ। लाइक मान लो कि सवाल है कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको 1 + 4x / 5 की पावर 1/x, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और e की पावर 4/5 व्हेन x इज इक्वल टू 0। मैं पहले बोल रहा हूँ सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है ये तो बेसिकली आपको बनाने चाहिए, मतलब आप जब मैं बना रहा हूँ तो आपको यहीं पे तुरंत बनाना ही स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बाद फिर आगे का सोल्यूशन देखना चाहिए। पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये चीजें हैं। और जैसे मान लो कि ये आपके पास सवाल दे रखा है, वो कह रहा है कि चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली सवाल कहा जाए ना, तो ये सवाल कंटिन्यूटी का है ही नहीं, ये सवाल तो है लिमिट का। कंटिन्यूटी तो बस इतनी भर सी है कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ई की पावर 4/5 आ रही है कि नहीं, वो बस चेक करने के लिए है। मतलब असली कॉन्सेप्ट यानी जो भी आपको असली चीजें समझनी है और जाननी है या सीखनी है, वो आपको लिमिट सीखना है। इसमें लिमिट सिखाएगा कि कैसे चीजें हैं। कंटिन्यूटी तो बस थोड़ा सा है। कंटिन्यूटी क्या है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आपका f ऑफ 0 इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। बट यहाँ पे देखा जाए तो किसी तरह का कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहले इसका एक बार जरा सा, अच्छा एक और ये भी मैंने बता रखा है आपको कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू फाइनाइट। तो अगर आप ये भी यूज करें तो देखो ये आपका लिमिट निकालना हुआ। अगर हम देखें तो लिमिट निकालना हुआ यहां से एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमको पता है कि ई की पावर 4/5 दे रखा है बच्चों। अच्छा, अब जरा देखें यहां पे, तो अगर हम इसके लिमिट निकालने की बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + 4x / 5 की पावर 1/x, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये 1 प्लस ये हो गया 0 की पावर 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म हो गया 1 की पावर इनफाइनाइट। और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका था, 1 की पावर इनफाइनाइट को सॉल्व करने का तरीका था हमारे लिए, इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे सिस्टम जो है वो चला जाएगा ई की पावर में, और ये ई की पावर में चला गया, यानी मैं लिख लेता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 + 4x / 5, और एक घट जाता है, कल भी हम इस पे बात किए थे, एक सवाल किए थे, -1 हो जाता है, और जो पावर में है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x। देखो 1 से 1 कटा, अगली लाइन में 1 से 1 कट गया, जो बच गया वो ये बच गया e की पावर 4/5, e की पावर 4/5 बच गया, और e की पावर 4/5 लिमिट पुट करने के बाद e की पावर 4/5 बच गया। यानी आपने देख रहे हैं कि ये आया लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 4/5, और लकीली एफ ऑफ 0 भी सवाल में यही दे रखा है, और ये पूरा का पूरी चीज है फाइनाइट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो बच्चों थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंटिन्यूटी इन द इंटरवल्स। कंटिन्यूटी इन द इंटरवल यानी हम लिखने चल रहे हैं कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। अब इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसके लिए जो भी अपने पास पहले हम जान लेते हैं कि जैसे आपको पहला अगर मैं कहूं ओपन इंटरवल के बारे में, अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो ओपन इंटरवल के बारे में कंटिन्यूटी हो जाएगी आपकी
जैसे मान लो कोई इंटरवल ए से बी है, तो कोई भी फंक्शन एक्चुअल में ये कहा जाए ना, तो ये भी है आपका कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की ही तरह है, बस आपकी चीजें बदल जाती है, लिखने का दस तरीका बदल जाता है, नहीं तो कोई और बिल्कुल इसमें कोई बड़ा सा फंडा नहीं जा रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन ए से बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस इन एवरी पॉइंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए से बी मतलब ए से बी के बीच में जितने सारे पॉइंट हैं उनके हर पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और यही अगर यही कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल है, मतलब आपको एक एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा वो भी अभी लग रहा होगा कि सर ये 0-7 में इनफाइनाइट पॉइंट है तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको कहां पता चलेगा कि नहीं यहीं पे इसी पॉइंट पे हमें चेक करने की जरूरत है, बाकी कहीं चेक करने की जरूरत है नहीं। जैसे दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, ये सिर्फ ये देखो सच्चाई ये है, बहुत अच्छी से सच्चाई ये है कि ये सब जो चीजें है ना ये सिर्फ सजावट के लिए लिखी जाती हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज, सब चीजें प्रैक्टिकली इसको हम यूज कभी नहीं करते हैं, सिर्फ आपके नोट्स के सजावट के लिए ऐसी चीजें हैं। और थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा तो कभी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ कि नहीं कहीं ये लिखा हुआ है तो आपको नया नहीं लगेगा, नहीं तो इसका कभी यूज नहीं होते, सिर्फ सजावटें हैं अपने कॉपी के लिए, इतना सब हमें पढ़ते नहीं है हम। तो ये क्लोज इंटरवल, इतना सब चीजें हमारे यूज में नहीं है, क्लोज इंटरवल में अगर हमें चेक करना हो क्लोज इंटरवल में, तो सेम चीज लाइक क्लोज इंटरवल ए से बी है अपने पास, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस। दो बातें इसमें साथ रहती है, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए से बी, अगर ये वाली बात साथ में रहनी चाहिए ऊपर वाला हमने लिखी लिया डेफिनेशन, तो कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल एट एंड बी एंड, देखो दो वर्ड लिखना है यहां पे, दो वर्ड लिखने जा रहे हैं कौन सा कि एंड राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बी। अब ये क्या नया चक्कर है सर राइट और लेफ्ट का, तो कोई बड़ा चक्कर नहीं है, देखो ध्यान से ये a है ये b है, बस ध्यान से समझ लेना कि क्या चक्कर है। ये इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो अवेलेबल है उसी में चेक करो, जो अवेलेबल नहीं है उसमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ए और बी, देखो इसको दूसरे शब्दों में दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी लिखते हैं कि कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए एंड बी एंड कंटिन्यूअस एट बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि इस बार क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था तो कोई मतलब नहीं था। दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि कंटिन्यूअस, देखो इसी की चीज को कैसे जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ाते हो वैसे वैसे कहने का तरीका बदल जाता है कि 12 तक राइट लेफ्ट कंटिन्यूअस चलता है, उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो नेबरहुड इन ए एंड बी, इसी बात को बोलेगा नेबरहुड इन ए एंड बी, तो ए और बी के नेबरहुड का, या अभी हम सिर्फ जिस बात पे रुके रहेंगे वो कहेंगे कि राइट एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस। देखो ये है, अब ये जो हमें जो दे रखा है वो ए से बी दे रखा है, मतलब मैं इस ए से स्टार्ट करके और इस बी तक जा सकता हूं। देखो ए के लेफ्ट में चीजें अवेलेबल नहीं है, पहले मैं बता देता हूं कि राइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, राइट कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, और लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ आपका एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए। तो देखो एफ ऑफ
एक जगह पे मैं बी बोलता हूँ क्योंकि इस बार हमारे लिए बी अवेलेबल है, क्योंकि एक्स इक्वल टू बी भी कहा जा रहा है। तो देखो ए के राइट में हमें अवेलेबल है, इजाजत है, हमें परमिशन है कि ए के राइट जा सकते हैं, ए के लेफ्ट जाने की परमिशन नहीं है। पता नहीं ए के लेफ्ट में फंक्शन था नहीं था, डिफाइंड था नहीं था, कुछ भी उसके बारे में आइडिया नहीं है। इसलिए सिर्फ हम लोग बाउंड्री पॉइंट ए पे इस एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे और इसके जस्ट आगे मतलब राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो कराएगा आपका राइट कंटिन्यूअस। और बी पॉइंट पे राइट में चीजें अवेलेबल नहीं है, इस बार बी पॉइंट पे राइट में चीजें अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट में अवेलेबल है, तो इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ बी निकाल लेंगे तो वो कराएगा लेफ्ट कंटिन्यूअस। ये आपका होता है कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब जैसे कुछ चीजें हैं, ये तो मान लो पहला दूसरा तीसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें हम याद करके रखेंगे, रट के रखेंगे। जैसे जैसे तीसरे नंबर पे मैं पूछ रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब चीजें आपने ग्राफ बना लिया है तो आपको पता होगा, आपने ग्राफ बनाया हुआ है कि इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपने ग्राफ देखा हुआ है इसका, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब -1 से 1 तक बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एंड चौथा टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे आर लिख देता हूं थोड़ा ग्रामर भी ठीक रहे, आर कॉन्टिन्यूअस एट, ये कॉन्टिन्यूअस आपने देखा होगा ग्राफ, इसका ग्राफ आपको याद होगा कि इसका ग्राफ होता है टेन इनवर्स का ये और कॉट इनवर्स का ये, वही लेटा हुआ फॉर और ये उल्टा लेटा हुआ फॉर, ये वाला तो ये कॉट का है, ये टेन का है। देख लो पूरा ग्राफ -∞ से +∞ -∞ से +∞ कॉन्टिन्यूअस है, आर कॉन्टिन्यूअस इन कंप्लीट आर में कॉन्टिन्यूअस होता है। पांचवा आपका सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, आपको इनवर्स फंक्शन भी मैंने बताया था कि सेक इनवर्स एक्स एंड कोटेक कोसेक इनवर्स एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके ∞। मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, सेक और कोसेक का आपको याद होगा, सेक और कोसेक का ग्राफ अभी भी आज भी याद होगा कि सेक के ग्राफ कोसेक के ग्राफ के लिए मैंने कहा था कि आप एक काम कर लेना कि पहले साइन का ग्राफ डॉटेड लाइन बना लेना और जहां ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू कर देना, तो ये कोसेक का था, ये वाली जगह आपकी -1 है और ये वाली जगह +1 है, और यहीं से बात वहां भी मैं बार बार रिपीट किया था कि देखो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो आपका π/2 है और नीचे वाली -π/2 है। तो देखो ये इसका डोमेन ही होता है -∞ से -1 और 1 से ∞, ये ओपन इंटरवल है। तो आपका ये देखो -∞ से मैं चौक लेके आना चालू किया और यहां तक मैं लगातार लेके आया बिना टूटे हुए, और इसके बाद -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन ही नहीं है, तो हम इसके डोमेन में कंटिन्यूटी के बारे में बात ही नहीं करते हैं। मतलब चौथा पॉइंट जो, पांचवा छठा पॉइंट जो आएगा कि कंटिन्यूटी, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, मैं इसको लिख रहा हूं कंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल इन डोमेन। ये सिर्फ बात पहले ही डेफिनेशन में लिखा था कि कंटिन्यूटी जो है हमेशा डोमेन, इन देयर डोमेन में बिना ग्राफ, बिना पिन उठाए हम ग्राफ को खींच पाए, तो ये कंटिन्यूटी हमेशा, जो कंटिन्यूटी की बातचीत की जाए वो हमेशा मीनिंगफुल हो, वो उसके डोमेन में हो। मतलब टॉकिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल इन द डोमेन, एंड टॉकिंग ऑफ या कंटिन्यूटी या डिस्कशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिस्कशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी डीसी इज मीनिंगफुल। देखो यही कुछ बहुत बेसिक अंतर होता है, बहुत बेसिक अंतर होता है मीनिंगफुल इन नेबरहुड, जिसको कि लिखा जाता है NBD, शॉर्ट में बोला जाता है नेबरहुड ऑफ पॉइंट,
किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में हम बात कर सकते हैं। जैसे लॉग एक्स की अगर हम बात करें तो लॉग एक्स हम जान रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर ग्राफ देखें तो ऐसे बनता है। तो जीरो के नेबरहुड में हम डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब जीरो का नेबरहुड का मतलब ये जीरो है तो इसके आगे और इसके पीछे, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, पड़ोसी इधर भी हो सकता है, पड़ोसी इधर भी हो सकता है। तो नेबरहुड में बातचीत की जाए तो हो जाएगी डिसकॉन्टिन्यूटी किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में बात की जाती है, जबकि कंटिन्यूटी हमेशा उसके डोमेन में बात की जाती है। तो यार देखो ये डोमेन में बिना पिन उठाए ग्राफ बना पा रहे, देखो यहां से यहां तक डोमेन है, फिर पेन उठाना पड़ा लेकिन इसके डोमेन में पेन नहीं उठाना पड़ा, वो डोमेन ही नहीं था, फिर डोमेन यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से फिर पेन बन उठ के पेन, फिर बिना पेन उठाया मैं ग्राफ बना लिया। मतलब अपने डोमेन में इसके पेन को नहीं उठाया गया है और डोमेन के बीच में क्या है कोई मतलब नहीं है अपने से। तो वही कंटिन्यूटी का फंडा ये कहता है कि कंटिन्यूटी हमेशा, कंटिन्यूटी का डिस्कशन हमेशा डोमेन में बात अच्छी लगती है और डिस्कशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमेशा किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब पड़ोस पड़ोस में उसके बारे में बातचीत की जाती है। तो ये आपको होता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट पांचवें नंबर, सातवें नंबर पे चलेंगे अब। चलो हाँ बच्चों, हम अब सातवें पॉइंट पे बात कर रहे हैं। सातवां पॉइंट हमारा ये है कि देखो कुछ चीजें और भी है जिनको हमें जानना चाहिए, जैसे लाइक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, सिर्फ पॉलिनोमियल ध्यान रखना, e की पावर x या e की पावर माइनस एक्स, या अगर मैं बात करूं कि साइन, अच्छा ये जितने साइन वगैरह, साइन x या cos x, ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस इन पूरे R में होते हैं। ये आप पढ़ चुके हो बहुत बार, इस पे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन एक चीज और है, जरा देखो 1/x-1 अगर कोई fx इक्वल टू ये दे दे, तो ये आपका fx इक्वल टू ये दे दे x-1, तो इस केस में ये मैं कहूंगा कि ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू वन पे इसका ग्राफ टूट जाएगा, उसके डोमेन में नहीं है, इसके डोमेन में एक्स इक्वल टू वन नहीं है, फिर भी हम कहेंगे कि वन पे इसका अगर आर में बात करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ये पूरे कंप्लीट आर में। तो ये आपकी चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर ऐसी कोई चीज चल रही है, जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x²-2x -3, तो कोई कह दे कि ये ग्राफ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, हम पहले इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगा x-3x+1, तो आप कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट x=3 और x=-1। मतलब ये चीजें कोई बताएगा नहीं, ऐसा लिखा है मतलब हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही तब तो कुछ और बातें होती होंगी, जरा आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आज भी याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ऐसे चल रहा था। देखो बच्चों याद हो तो ग्राफ ऐसे चल रहा था इसका, तो देखो ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये यहाँ पे आपका 3, ये आपका आपका -1, ये आपका -2। तो आप देखो तो ये देखो ध्यान से देखो, -2 पे यहाँ पे हैं हम, ये डार्क सर्कल है, फिर आगे गए -2 से -1 तक सब ठीक चला, अभी हमें पेन यानी हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही -1 पे पहुंचे हम पेन उठा के यहाँ पहुंचना पड़ा, हमें मजबूरी आ गई, फिर हम गए यहाँ तक, फिर 0 पे पहुंचे तो यहाँ पहुंचे, फिर 1 पे यहाँ पहुंच गए उठा के पेन, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो ये वाली वैल्यू जो चल रही है ये आपका, आप देख रहे हो कि हर इंटीजर पे टूट रहा है, इंटीजर पे पहुंचते ये ग्राफ टूट गया, इंटीजर पे पहुंचते ये ग्राफ टूट गया। तो ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ ऐसे ही होता है, अगर मैं छोटा सा ग्राफ बना दूं तो ग्राफ इसका भी ऐसे ही होता है, वही झुनझुना वाला ग्राफ आपको याद होगा, बताया था मैंने कि बच्चों का झुनझुना है ये, आपका झुनझुना वाला ग्राफ आपका बन गया, छोटे बच्चों की झुनझुना है ऐसे बनाने वाला, ये आपका लाइन हो गई ऊपर का, सबसे ऊपर 1 चला गया, देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, मैं बोला था कि देखो ये जो है, देखो आप देख रहे हो ध्यान से कि 0 से लेकर 1 तक जब मैं जा रहा हूँ तो ये देखो लगातार जा रहा हूँ, लेकिन जैसे 1 पे पहुंचा टपक से नीचे आ गया,
फिर वन से लेकर टू तक गया, फिर से टू पहुंचते टपक से नीचे आ गया, मतलब इंटीजर पे जाते टपक जा रहा है, मतलब ग्राफ इसका टूट गया। ग्राफ टूट गया मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया इंटीजर पे। मतलब ये कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस होंगे। पर इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी लिखा हो या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी लिखा हो, आर डिसकंटिन्यूअस वेयर, ये वहां डिसकंटिन्यूअस होते हैं वेयर एफ ऑफ एक्स बिकम इंटीजर। आप देखो बिल्कुल वही ऊपर वाला ही फंडा लगा है कि मतलब आपका ऊपर वाला फंडा कैसे कि जब जब इंटीजर, जब जब अंदर वाला जब जब इंटीजर होगा तब तब यह डिसकंटिन्यूअस होगा, तो पूरे अंदर वाले की वैल्यू जिस एक्स के लिए इंटीजर हो जाएगी वहीं पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान रखना कि हमें अंदर वाले को, जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि भाई आप जरा मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस, बहुत सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल रखा है डिसकंटिन्यूअस एट, तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं अपन निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपका वन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सिर्फ वन टू थ्री ही जा सकती है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, लाइक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, ऐसे ही हर जगह आपका प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस रूट थ्री, प्लस माइनस रूट फोर जिसकी वैल्यू टू हो जाएगी, प्लस माइनस रूट फाइव, तो ये हर जगह चला जाएगा। अगर किसी ने इसको बाउंड कर दिया कि भाई आपको जीरो से वन के बीच में ही बताओ, तो हम देखो जीरो से वन के बीच में इतनी जगह पे आएगा, क्योंकि जीरो से वन के बीच में आपका x की वैल्यू देखो जीरो से वन के बीच में ही है ये पूरा, कि जीरो से सॉरी जीरो से वन नहीं जीरो से टू ले लेता हूँ, जीरो से टू के बीच में कोई बताए तो देखो ये सारी वैल्यू जीरो से टू के बीच में ही है, तो जीरो से टू के बीच में प्लस माइनस वन, प्लस माइनस रोड टू, प्लस माइनस रोड थ्री, ये सब आपका डिसकंटिन्यूअस इतने जगह पे हो जाएगा। अच्छा जरा किसी ने मान लो कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, हम कहेंगे बढ़िया है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कहां कहां होगा निकालना है, हम कहेंगे कोई बात नहीं जहां पे अंदर वाला इनसाइड फंक्शन, कई बार हम इसको ये भी लिखते हैं कि ये आपका इनसाइड फंक्शन, देखो इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन इक्वल टू इंटीजर हो जाए, ये भी एक तरीका होता है लिखने का, मतलब समझने का, कुल मिलाकर याद रखना है चीजों को कि कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां पे ये आया तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं साइन एक्स जहां जहां इंटीजर होगा वो जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई मुझे बता देगा कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बच्चों, माइनस वन से प्लस वन होती है, बताओ साइन एक्स की इंटीजर वैल्यू क्या क्या है, साइन एक्स की इंटीजर वैल्यू है आपकी एक जगह है माइनस वन, एक जगह है साइन एक्स की एक वैल्यू है जीरो, एक वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू आपका प्लस वन है। अब बताओ जीरो ये तो आप याद हो गया है अभी तक कि सर जी ये एन पाई होता है, एन मतलब कोई भी इंटीजर, ये एन पाई होता है, दूसरा सर जी इसके लिए क्या और सर जी इसके लिए क्या, इसके लिए क्या और इसके लिए क्या, मतलब ये ऑड पाई बाई टू पे वन होता है, फिर अगली वैल्यू पाई बाई टू के बाद फिर टू पाई का चक्कर लगा के आएगा तब इसका वैल्यू वन होगा, और टू पाई का चक्कर लगाएगा मतलब पाई बाई टू प्लस, बोलो पाई बाई टू प्लस टू पाई मतलब फाइव पाई बाई टू, फिर अगली वैल्यू फाइव पाई बाई टू प्लस टू पाई मतलब आपकी नाइन पाई बाई टू, मतलब ये आपका फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, और इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे ही फोर एन माइनस वन पाई बाई टू, इन जगहों पे ये आपका डिस्कंटिन्यूअस, तो ये हर जगह ये एक्स की ये वाली वैल्यू, एक्स की ये वैल्यू और एक्स की ये वैल्यू, ये तीन वैल्यू पे आपका ये एन जहां पे कोई भी इंटीजर नंबर है तो ये यहाँ पे आपका डिस्कंटिन्यूअस होगा, मतलब इन हर इन पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, लाइक ये जीरो पाई, देखो कौन कौन सा मिल रहा है, जीरो पाई बाई टू पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई, फिर आपका फाइव पाई बाई टू, फिर ऐसे ही पूरा चक्कर चलता रहेगा और हर उस जगह पे डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है जहां पे साइन आपका इंटीजर मतलब जीरो वन माइनस वन दे रहा है। बात पकड़ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है चलो आगे बात करते हैं इस पे नेक्स्ट।
चलो नाइन्थ के बाद दसवें नंबर के पॉइंट पे बात करते हैं। टेंथ नंबर का पॉइंट हो जाएगा अपना, टेंथ नंबर का पॉइंट आपका ये कहता है कि देखो ध्यान से देखो, ये भी फिर से अपने काम की बात आ गई, लॉग एफ एक्स एंड सिग्नम। ये जो ऐसे शॉर्टकट है ना कि ये देखते ही सवाल आपको मतलब पता चल जाएगा कि आपको ज्यादा ढूंढना ही नहीं है कि कहां पे कंटिन्यूअस कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब देखा मतलब पता चला कि हाँ ये तो यहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लॉग एफ एक्स सिग्नम एफ एक्स मतलब लॉग के अंदर जो पूरा फंक्शन है या सिग्नम के अंदर जो पूरा फंक्शन है वो आर डिसकंटिन्यूअस वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि इनसाइड फंक्शन यानी जो उसके अंदर इनसाइड फंक्शन है वो आपका जीरो हो जाए। अगर इनसाइड फंक्शन जहां जीरो होगा उसी जगह ये आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। लाइक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देखें कि जैसे कि लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा है सिग्नम ऑफ, मान लेते हैं सिंपल सवाल देते हैं कि एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा इज डिसकंटिन्यूअस। देखो कितना सिंपल सवाल है, डिसकंटिन्यूअस इनसाइड फंक्शन जीरो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब एक्स बराबर तीन पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, मान लो आ गया यही कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी नहीं मॉडुलो सिग्नम में मॉड x-2 -1 इज डिसकंटिन्यूअस डीसी कहां पे होगा, तो हम कहेंगे कि भाई साहब कहीं कुछ नहीं, चुपचाप ये मन उठा के अंदर वाले को जीरो कर देंगे, x-2 = 1 हो जाएगा। अब यहां से मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस हटाएंगे तो उधर +-1 लग जाएगा, मतलब दो वैल्यू पता चला यहाँ से x-2 = 1+1 x-2 = -1 और x-2 = +1 का मतलब x = 3 एंड या आर x = 3 and x = आपका ये 2 -2 एंड ही लेते हैं x = -3 और ये 2 उधर जाएगा तो आपका बन गया 1। तो 1 और 3 दोनों ही जगह पे ध्यान से देखो, तो 1 पे भी ये देखो 1 करते ही 0 हो जाएगा, 3 करते ही भी ये 0 हो जाएगा, इन दो जगह पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन पॉइंट ऑफ, इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा जैसे एक और मैं सवाल लेता हूं, मान लो किसी ने पूछ दिया कि वाई इज इक्वल टू log 3x² - 5x + 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट। देखो मैं जानबूझ के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ले रखा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ले रखा हूँ, एट कहाँ होगा, तो हम पहले बोलेंगे कि ये वही हो जाएगा जहां पे 5x + 2 ये आपका जीरो हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको जरा हम इससे तो इसको फैक्टर तो बनेगा नहीं, फैक्टर बन रहा है शायद इस पर, देखो फैक्टर बन रहा है तो फैक्टर बन रहा है ये 3x² कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी है -2x + 2 = 0 यहाँ से 3x कॉमन कर लिया, x-1 बन गया यहाँ से -2 कॉमन कर लिया, x-1 बन गया यहाँ से 3x - 2 एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में x-1 = 0। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x = 2/3 and x = 1, तो ये इन दोनों जगहों पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन डिसकंटिन्यूअस, अच्छा बाकी तो बाकी जगह पे क्या मतलब है, अरे सर यहाँ पे तो आपने कहा डिसकंटिन्यूअस है तो बाकी जगह पे क्या होगा, बाकी जगह पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब इन दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे ये कंटिन्यूअस वही होगा जहां ये अपने डोमेन में डिफाइन होगा, इसका डोमेन भी जानना जरूरी है कि डोमेन क्या है, यानी अपने डोमेन में ही ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस की मैं बात मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं कि बाकी यानी इसके अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहेगा इन दो पॉइंट को छोड़ के। जैसे मान लो किसी ने और कह दिया कि आपको बताना है y = सिग्नम में साइन x माइनस
2 साइन x माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूअस. कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस एट, तो हम कहेंगे कि अंदर वाला जहां पे 0 होगा, मतलब 2 साइन x माइनस 1. बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अभी एग्जांपल कठिन नहीं है, बहुत आसान आसान एग्जांपल्स हैं. 2 sin x minus 1 equal to 0, तो ये हो जाएंगे आपके x is equal to, यहां से sin x is equal to आ गया 1 by 2, मतलब sin pi by 6, sin 30 degree, sin pi by 6, और आपको पता होगा इसका general solution हो जाता है n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. क्लास 11th में इस चीज को हम सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है जहां पे n आपका कोई भी इंटीजर नंबर होता है. अगले सवाल पे मैं बात करता हूं, जरा देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है, किसी ने कह दिया कि भाई y इक्वल टू 2x को बताओ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ इसका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इंटरवल दे दिया आपका 0 से 1. ठीक है, देखो पिछला इसके 9th वाला पॉइंट मैंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे इनसाइड फंक्शन इंटीजर हो. इनसाइड का मतलब 2x. ये देखो, ये आपका पूरा x के लिए दे रखा है कि x यहां से यहां तक जा सकता है, मतलब ये समझो कि मैं बार बार लिख के आते हूं फंक्शन में कि x की औकात है. ये देखो हिंदी में लिखा हूं, ए एक्स की औकात है, मतलब इतने ही में ही एक्स चलेगा. इससे आगे के बारे में या पीछे के बारे में एक्स नहीं बात करना है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स अंदर वाला, वो 2x है. तो 2x को हम लेके चलेंगे कि 2x की वैल्यू 0 हो जाए, इंटीजर 0 पहले, यानी यहां से एक्स मिला 0, ये अपने इंटरवल का पार्ट है, सही है. 2x की वैल्यू 1 हो जाए, यानी यहां से x की वैल्यू 1/2 इंटरवल का पार्ट है, अपने इंटरवल में x है, सही है. 2x is equal to 2 हो जाए, मतलब x is equal to 1 हो जाए, अभी भी इंटरवल का पार्ट है, ठीक है. 2x is equal to, मान लो मैंने कहा 3 हो जाए, तो x is equal to देखो हो जाएगा 3/2, और 3/2 होते ही 1 से बड़ा मतलब 1.5, 1 से बड़ा मतलब ये कहेंगे कि नहीं, ये नहीं ले सकते. तो क्या अपने पास ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब सब 1 से बाहर, यानी एक्सीड कर जाएगा, किसी काम का नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका, यहां से ये हो जाएगा आपका कि सारी की सारी वैल्यू हम ले लिए, तो अपना जो आया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई वो 0, 1/2, ये तीनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे कि वही आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कि मैंने लिया कि आपका, मैंने ले लिया कि भाई बता दो y इक्वल टू, या मैं मान लो थोड़ा सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं, थोड़ा सा लेवल या देखने का नजरिया बढ़ाता हूं कि कैसे अभी तक जो हम देख रहे हैं वो कितना, जो भी अभी तक देखे हैं उसी चीज का यूज फर्दर कैसे आगे हम इसका यूज करते हैं. तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पे, जैसे मैंने सवाल लिया कि चेक कंटिन्यूटी, ऑफ वाई इज इक्वल टू, मैंने मान लो सवाल ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. देखो जानबूझ के मैंने थोड़ा सा लेंदी सवाल लिया है, थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, क्योंकि कठिन इसलिए, देखो अगर आपको बेसिक आता है तो कठिन नहीं है, बेसिक नहीं आता है तो कठिन है, बस आपको बेसिक से इन चीजों को सीखना है, कि मतलब इसलिए ले रखा है कि आप तक इनको थोड़ा और बेसिक से जान सको कंटिन्यूटी के बारे में. तो वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये एट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, मतलब डिस्क्रीट पॉइंट दे रखा है. इन जगहों पे आपको पता करना है कि ये इसकी चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, इन जगहों पे हमें चेक करना है. और कठिन इसलिए आपको लगेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, बाकी है कुछ नहीं, सिंपली कहा जाए तो है कुछ नहीं. अपने को सबसे पहले थोड़ी कुछ चीजें अपन हम जान लेते हैं, जैसे किसी ने आपका, पहले हम साइन का एक बार ग्राफ बना लेते हैं. जरा ये चीज हम लिमिट में बहुत बार ये सब काम किए, बहुत बार क्या, आखिरी जो लेक्चर हम लिमिट में कर रहे थे और बिल्कुल इसी के ऊपर बेस था. ये वाली जगह आपकी पाई बाई टू है, ये वाली जगह पाई बाई टू पे 1 है, ये वाली जगह आपकी माइनस पाई बाई टू है, ये वाली जगह आपकी माइनस पाई बाई टू है, ये है माइनस 1. ध्यान से देख लेंगे बेटा क्या है यहाँ पे, ये है 0, ये है पाई
ये है 2 पाई। अच्छा अब कोई आपसे कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन जीरो की वैल्यू बताएं, मैं कहूंगा साइन जीरो पे जीरो है तो ये है आपका साइन जीरो पे वैल्यू इसकी जीरो है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो और ये हो गया आपका जीरो। अब कोई कहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन जीरो से थोड़ा सा मैंने कम लिया, थोड़ा सा आगे लिया 0.002 मैंने कहा ये वैल्यू ले लिया। अब मैंने कहा इस पे इसकी वैल्यू बताओ, मैं कहूंगा कि अगर साइन, देखो एक चीज और कि साइन, कोई कहता कि साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू बताओ तो मैं कहूंगा कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, मतलब इसको एक तरह से नियरली ये भी लिखा जा सकता है 1.57 के लगभग लगभग, ये मत सोच लेना कि मैंने एग्जैक्ट लिखा है, लगभग इसकी वैल्यू ये, और यहाँ पे ये 1 दे देता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 आया, मतलब 0 पे 0 और पाई बाई 2 पे 1 आया। अच्छा अच्छा आपको यहां से कहेगा कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इतने पे इसकी वैल्यू ये पे वैल्यू 1 से कम है, देखो ध्यान से, और 1 से कम है तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। अच्छा किसी के मन में आएगा कि सर 1 से कम 0 भी होता है और 0 से कम -1 भी होता है, पर 1 से कम आएगा और 0 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, देखो 0 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0, ये हम पढ़े हैं लिमिट में, फिर से बस याद दिला रहा हूं मैं। मान लो किसी ने कहा कि साइन 1 की वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप साइन 1, अगर कोई इसकी वैल्यू हमसे मांगेगा हम कहेंगे कि ये तो आपका लगभग 1.57 के बराबर है तो 1 कहीं यहाँ है, ये कहीं 1 है और इसके रिगार्डिंग वैल्यू कोई ये है और ये वैल्यू फिर से वैल्यू 1 से कम आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू फिर से 1 से कम आ रही है तो हम कहेंगे कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से कम, देखो एकदम लिख भी रहा हूं वैसे हिंदी में ही, 1 से कम का मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। बट अगर किसी ने आपसे कह दिया कि बेटा आप बता दो हमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन के अंदर -0.00 मान लो कि 5 कह दिया, देखो 0 से पीछे जाना है और 0 से पीछे अगर हम देखो यहाँ पे देखो 0 से पीछे जा रहे हैं, देखो ध्यान से 0 से अगर हम पीछे गए तो हल्का सा यहाँ पीछे गए तो इसके रिगार्डिंग वैल्यू मुझे मिल गई ये, और ये वैल्यू आपकी आ गई 0 से कम है -1 से ज्यादा है तो 0 से -1 के बीच में है और 0 से -1 से बीच की जो वैल्यू होती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो जाता है, मतलब अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आपका, देखो कि ये अंदर में आ जाएगा 0 से कम, और 0 से कम मतलब कि 0 से कम और -1 से ज्यादा उस समय इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाती है आपकी -1। अगर किसी ने मान लो पूछ दिया कि साइन -1.2 की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, हम कहेंगे -1.2 मतलब देखो ये 1.-1.5 है, इसके पीछे कहीं -1.2 होगा और यहाँ पे वैल्यू कुछ ये है, स्टिल ये हम 0 से -1 के बीच में है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये फिर से 0 से कम आ रहा है वैल्यू और 0 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा हमारे लिए -1। इसी का यूज करके उस वाले पूरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हम देखो जैसे मैंने उस सवाल के लिए मैं बात करता हूँ कि किस पे चेक करेंगे, देखो 4 पॉइंट पे है 1, 2, 3, 4, किसी 2 पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, किसी 3 बाकी 2 पॉइंट पे आप चेक कर लेना। देखो देखो 2 पॉइंट पे बता रहा हूँ, देखो पहले मैं बोल रहा हूँ एट x इक्वल टू 1 पे मैं चेक करने चल रहा हूँ, तो अगर x इक्वल टू 1 लिया जाए तो ध्यान से देखो कि x इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस और ये सब फाइनाइट आएगा तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 1 सबसे पहले f ऑफ 1 निकालते हैं, अब हम लिमिट में थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, नहीं लगा रहे उतना, f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, फिर जरा देखो बच्चों साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटीजर का यह 1 हो जाएगा। अभी हमने देखा कि देखो ग्राफ बनाएंगे, फिर से हर बार हम वही काम कर रहे होंगे तो इसका अगर हम ग्राफ बना लें तो 1 की वैल्यू कुछ ये साइन का ग्राफ बनता है, 0 है, ये पाई है, यहाँ पे आपका ये पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57 तो 1 कहीं यहाँ आएगा इसके पीछे, इसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू आपकी, इसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू ये हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी इस 1 वाली से कम वैल्यू है, तो 1 से कम है मतलब लिखेंगे 1 से
कम सापस, ठीक है, और एक से कम लिखते ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब जरा देखो एफ ऑफ वन माइनस निकालने चल रहे हैं, वन माइनस का मतलब एक से जस्ट पीछे, मतलब इसके जस्ट पीछे यहां कहीं, इसके जस्ट पीछे मतलब यहां कहीं, और जस्ट आगे का मतलब यहाँ कहीं, तो वन से जस्ट पीछे मतलब ये हो जाएगा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसी को हम वन माइनस एच से भी रिप्रेजेंट करते थे, याद करो तो वन से पीछे दिखाने का तरीका वन माइनस एच, और ये हो जाएगा वन माइनस एच का जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना, वन माइनस एच का मतलब एक से थोड़ा सा घटा, पीछे हुआ, पीछे हुआ का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया जीरो। तीसरा एफ ऑफ वन प्लस, मतलब आगे राइट हैंड लिमिट इसी को बोल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एच। देखो कुछ भी कठिन नहीं है, वन प्लस एच, वन से आगे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से वन, मतलब ये हो जाएगा साइन वन, और साइन वन का यहां से देखो साइन वन की वैल्यू हमारी आ चुकी है जीरो। तो देखो जरा देखो तो यहाँ पे बच्चों क्या आया कि एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ वन माइनस बराबर एफ ऑफ वन प्लस इज इक्वल टू जीरो, फाइनाइट आ गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब जरा हम बात करेंगे ये अगले उनमें से एक दो तीन चार में से एक वन पे, तो हमने पॉइंट चेक कर लिया, अब हम आगे चेक करेंगे टू थ्री फोर में से जो भी आप कहो, लाइक मान लो कि मैंने चार चेक कर लिया चार पे, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक्स इक्वल टू चार पे चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है।